दोस्तों, आज के समय में हमारे पाकिस्तान के साथ कनेक्शन किस टाइप के हैं वो तो आप सभी लोग जानते ही हो। मतलब जब भी ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक जंग वाला माहौल बन जाता है, फिर चाहे वो क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी हमें उतना ही अच्छे से ट्रीट करते हैं जैसे हम उन्हें करते हैं। उन्हें भी किसी लड़ाई और दुश्मनी से मतलब नहीं होता और ना ही हमें मतलब होता है। ये लड़ाई और दुश्मनी को बढ़ावा वो लोग देते हैं जो दोनों ही देशों में अपनी धात जमा कर बैठे हुए हैं, चाहते ही नहीं कि ये दोनों देश कभी एक हों। लेकिन इन सभी से हटकर आप लोगों के मन में भी ये आता होगा कि अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में जाए तो उसे वहाँ के लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, क्या वो हमें देखकर खुश भी होंगे या नहीं, क्या वो भी हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और आगे ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, जिसके चैनल का नाम है क्रेजी प्रैंक टीवी, उन्होंने ये प्रैंक किया जिसमें ये एक ठेले पर गए, ठेले वाले को बताया कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं इंडिया से हूँ और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी पैसे हैं। तो उस ठेले वाले ने किस तरह से इस इंडियन बंदे को ट्रीट किया, देखिए आप इस वीडियो में। आप इंडियन हो? हाँ हाँ जी दादा। अरे मोस्ट वेलकम यार। अरे दादा, अरे क्या बात यार, दादा यार हमारे लिए साधु की बात है। यहाँ से काटोगे तो इंशाल्लाह दादा रेड निकलेगा और आपका भी रेड ही है। बिल्कुल दादा, बिल्कुल दादा, बिल्कुल। नहीं, यहाँ आके पता चला कि पाकिस्तानी भी वहाँ पर हमारे जैसे ही हैं। हम भी पाकिस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं और तुम लोग भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हो दादा। लो दादा, आते जाते मैं यहाँ पर जरूर चक्कर लगाया करूँगा दादा, तुम्हारे पास लव हो गया दादा तुम्हारे साथ। मैं जब मैं वापस जाऊँगा इंडिया, मैं वहाँ पर बताऊँगा कि मेरा वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाई मुझे मिल गया कोई दादा। इसी तरीके से डम टीवी नाम के एक चैनल के यूट्यूबर ने जब एक फल वाले से कुछ फल खरीदे और बदले में जब उन्होंने इंडियन करेंसी को दिया तो बताया कि वे इंडिया से हैं। और फिर देखिए उस फल वाले का क्या रिएक्शन रहा। तनिक ठीक हो? ये अमरूद है ना भैया? हाँ, ये तनिक हमारे वहाँ भी है। हाँ, एकदम फ्रेश। किलो? ये किलो माने 120। ई रहे तो हर 120 रुपए भैया। बस भाई जी, ये कहाँ के पैसे हैं? अरे हम इंडिया से आए ना भैया, तो इंडिया का ही है और क्या है। अरे यहाँ तो पाकिस्तानी पैसे चलते हैं ना भाई। अच्छा, ये यहाँ थोड़ी चलता है। नहीं भैया, हम कल ही आया है अपने ना वहाँ भारत से, तो हम पाकिस्तानी पैसे नहीं है। नहीं भैया, हम ये देखो ना, सारा हमारे पास वहीं का करेंसी पड़ा है। हाँ, तनिक इसमें से ही तो निकाल के दिए तुम हो। चलो कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो, इंडिया से आए हो, हमारी तरफ से खाओ आप। कोई क्या बात कर रहा भैया। ये यहाँ पे नोट नहीं चलेगा, यहाँ पे पाकिस्तानी नोट चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी से कुछ सौदा लें तो ये जो है इस नोट को, इस करेंसी को जो चेंज करा लेना, ये मेरी तरफ से आपको है। क्या बात कर रहे हैं भैया, ये तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुख्तियार अली। मुख्तियार बाहर जैसे ही है कि इस पूरे शहर में, इस पूरे मुल्क में तुम्हारे जैसे लोग हैं? पाकिस्तानी है ही एक नंबर भाई। अच्छा। नहीं भैया, एक बात तो बता दूं, हमारे भारत के लोग भी एक नंबर है, लेकिन ये तनिक कुछ गलत लोगों की तरफ से ना दोनों मुल्कों में ये तनिक वो आ गई है, जरा ना मुश्किलात आ गई है। कोई बात नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह सबको एक कर देगा, एक कर देगा। मुख्तार भैया, तुमने और हमने मिलके करना है ये काम। ये जो तुमने हमारा काम कर दिया ना भैया, ये क्या बात कर गए भैया। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है डेली स्वैग। उन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक को जब एक वीडियो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों ने मैसेज दिया है इंडिया को, और उसी टाइम पर एक और वीडियो दिखाया जिसमें हिंदुस्तान के बच्चों ने उस पाकिस्तान के वीडियो का रिप्लाई देते हुए कुछ कहा, तो इस पर वहां की पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा, देखिए आप इस वीडियो में। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान।
वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। मुझे तो बेसिकली इंडिया का अच्छा लग रहा है, इंडिया का मैसेज अच्छा लगा। क्या ये वीडियो देख के तो इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। अच्छा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का और पॉइंट था, स्टार्टिंग में तो मैं बड़े रोंतरे खड़े हो गए थे, पाकिस्तानी होने का जज्बा आ गया, जज्बा आ गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो सीन शुरू हुआ है तो समझे कि और ही मोहब्बत पैदा हो गई है इंडियन के साथ। देखिए ना, क्योंकि वो बच्चों ने कैसा मैसेज दिया है, मोहब्बत, उन्होंने कहा मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है। इन्होंने जो भी एड बनाई है, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान ने ये जो उनसे पहले आपने शॉर्ट क्लिप देखा, ये पाकिस्तान ने बनाया था कि हम इंडिया में जाकर नाश्ता करेंगे, मार देंगे, तो ये मैसेज आपको लगता है कि हमारी मेंटालिटी, हम ऐसे लोग हैं कि जो ऐड बना के हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं, ये बनता नहीं है वैसे जिस तरह की ये ऐड बनाई है ना, क्योंकि आप देखें ना वो इंडियन के बच्चों ने कितना प्यारा उन्होंने एक मैसेज एक तौर पे दिया है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, कि यार अमन पैदा करो, हम अमन पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि यार इस तरह करोगे, पर जिधर वो पेशावर में सानिया हुआ है, मेरे माँ बाप भीड़ हुए इंडियन कह रहे हैं कि मेरी माँ भीड़ हुई है, ये एक मैसेज है, इसलिए हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। इसी तरह हम आपस में मिलेंगे ना, इसी तरह यूनिट बनेगा ना। अगर हम नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, हम यूं मुखालिफ यूं बड़े बड़े बोल बोलते रहेंगे, तो किस तरह प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? इस तरह हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है ना। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी बच्चों से या पाकिस्तानी जो भी ऐड की कंपनीज हैं कि एक अच्छा मैसेज दे, पाकिस्तान से एक अच्छी आवाज जाए ताकि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल, ना कि आपको रिजेक्ट करें। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भाई यही रिक्वेस्ट है मेरी इनसे जी। हमारी मेंटालिटी ऐसे क्यों सेट हुई पड़ी है, आप कुछ बता सकती हैं? आप बच्चों को एटलीस्ट ये ना बातें सिखाएं कि इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो हमारी लड़ाइयां हैं वो जो गवर्नमेंट की है वो आपस में करें, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। अब बच्चे ऐसा दे रहे हैं तो उन्होंने आगे से जो अपने बच्चों के थ्रू दिया है वो उनका मैसेज अच्छा है, उनका मैसेज अच्छा है। तो गाइस देखा आपने मैडम ने क्या राय दी, यार हम कब चेंज होंगे, हमारी मेंटालिटी ये मार धाड़ से कब बाहर आएगी, ऐसा क्यों है? क्या? आपको क्या लगता है कि कब ठीक होंगे? कहना कि हम कम एजुकेशन की वजह से ये सारा सीन हो रहा है, ठीक है, ये सब जो हो रहा है ये सब हमारे एजुकेशन की वजह से हो रहा है, मतलब हमारी कम एजुकेशन है जिसकी वजह से हम मतलब के बच्चों को लड़ाई सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये करना है वो करना है। अगर हम अपने बच्चों को उनका माइंड ये सेट करेंगे कि पढ़ो और पढ़ के अपनी अपने आप को ठीक करना करो, हाँ, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, खुश रहे आबाद रहे ऐसा कुछ बात कर लो यार। हाँ अपना यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़ाई अब बंद कर दो, ये का बहुत सालों से चल रहा है, अब एटलीस्ट थोड़ा सा तो कर लो, अब लड़ाई कम कर दो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात लगे, थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार फिर से डम टीवी नाम के चैनल ने एक एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान के लोगों के साथ, जब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को ये ऑफर दिया अगर वे इंडियन फ्लैग को जलाएंगे तो उसके बदले उन्हें काफी सारा कैश मिलेगा। देखिए फिर कैसा रिएक्शन आया पाकिस्तान की पब्लिक से, उन्होंने फ्लैग को क्या जला दिया या फिर नहीं, देखिए इस वीडियो में। Hi guys, this is Muneeb Ali. आज की वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम कैश प्राइस देके लोगों को ये इंडियन फ्लैग जलाने की ऑफर देंगे, तो आए देखते हैं लोग पैसे के लिए इस इंडियन फ्लैग को जलाते हैं या नहीं। तो वीडियो हम आपको एक लाइटर देंगे और एक चीज देंगे, आपने उसको जला देना है। क्या नाम है आपका? मुस्तफा सर। मुस्तफा भाई एक छोटी सी हम वीडियो बना रहे हैं, अगर इस वीडियो में एक काम करना है तुमने, अगर तुमने वो काम कर लिया तो हमारे पास कुछ पैसे हैं ये हम आपको दे देंगे, ठीक है भाई? ठीक। अगर आपने वो टास्क पूरा कर लिया तो हमारे पास कुछ पैसे हैं ये इनाम के तौर पे हम आपको दे देंगे, ठीक है मेरे भाई? कि ये हमारे पास एक लाइटर है, पकड़े इसे, और ये रही वो चीज़ जो जलानी है।
सॉरी भाई, ये तो मैं नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी का नेशनल फ्लैग है। हाँ, तो ये मैं कैसे जला सकता हूँ? अगर हमारा कोई नेशनल फ्लैग जलाए तो हमसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा, तो हम मैं नहीं जला सकता, सॉरी। तो ये पैसे भी तो नहीं मिलेंगे फिर आपको? तो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट है, किसी की नेशन है। हाँ, तो हम नहीं जला सकते। ये रही वो चीज़ यार, ये तो इंडिया का झंडा है। हाँ, ऐसा ही है। इनके साथ तो हमारा छत्तीस का आंकड़ा का परचम नहीं जला सकते हम, ये काम हम नहीं कर सकते। वेरी सॉरी। नहीं नहीं, तो कोई मसला थोड़ी है, ये तो ये हमारे उसूल के खिलाफ है। अच्छा जी, हमने ऐसा काम नहीं किया। और चीज पता है क्या? क्या ये? नहीं यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं, ये तो इंडिया का झंडा है, क्यों ऐसे जला रहे हैं? तो उससे क्या फर्क पड़े? नहीं यार, इज्जत करनी चाहिए, क्यों ऐसे कर रहे हैं? नहीं यार, आपका तो काम है ना, आप जलाओ। पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रखो अपना चीज अपने पास रखो। नहीं, ये क्या बात हुई? बस छोड़ो यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी मुल्कों का झंडा है, इसका इज्जत करना चाहिए। अरे ये तो कागज की चीज है। नहीं यार छोड़ो, कागज है जो अभी, इसका इज्जत करनी चाहिए। नहीं तो अगर जला भी दिया, पाकिस्तान में रहते हैं, अगर इंडिया में कोई इसका मतलब पाकिस्तान का झंडा जलाया, फिर हमारा होगा तो गुस्सा होगा। नहीं ऐसा नहीं, तो इधर थोड़ी कोई देख। नहीं यार छोड़ो, नहीं 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 करना है, छोड़ो बस, फिर देखते हैं। तो पैसे भी नहीं मिलेंगे? नहीं बस छोड़, हमको पैसा भी नहीं चाहिए। ये रही वो चीज। क्या चीज? नहीं जलाऊंगा मैं। क्यों सर? कुछ भी है, उनकी आइडेंटिटी है, इंडिया की है। सही है, सही ना? मैं नहीं चाहता कि मैं इनका जलाऊं तो कल को मेरे पाकिस्तान का फ्लैग वो लुट जाए। अच्छा जी। नहीं तो पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पक्की बात है? पक्की बात। हर एक मुल्क की अपनी झंडे की एक अपनी अहमियत होती है ना। हाँ। तो दूसरी, ये हमारा पड़ोसी मुल्क भी है जी, तो हम पड़ोसी को तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहते। अच्छा। वो जिस तरह भी है, जैसे भी है, मगर ये हमारे पड़ोसी तो हैं, हमें उनका झंडा नहीं खिला सकते। नहीं तो मेरे झंडे की अपनी इज्जत होती है। तो फिर ये पैसे कैसे मिलेंगे आपको? नहीं पैसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यार क्यों किसी का फ्लैग जलाना है यार? क्यों? नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का भी फ्लैग हो यार, हमें उससे क्या यार? ये अगर इंडिया का है तो उसका मतलब थोड़ी कि हम जला देवे। अच्छा। कोई भी हो या हम हो, अगर ये जला दे वो गलत करता है। अच्छा। तो ये तो दोस्तों, इन सभी यूट्यूबर के प्रैंक और एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चलता है कि हमारे बीच में जितने भी खराब रिलेशन हैं, वो ना ही किसी पाकिस्तान की पब्लिक ने बनाया है, ना ही हिंदुस्तान की पब्लिक ने, जबकि दोनों ही देश दोस्ती चाहते हैं, ना कि कोई दुश्मनी। और आई होप इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि पाकिस्तान में लोग इंडियंस को कैसे ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं दीपक आपसे मिलता हूं फिर किसी अदर टॉपिक की अदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।